हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है पल्लवी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल टाइम पे। और साथ ही में मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ही वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता रहेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। डोनेट कहाँ पे करना है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं रोज़, मैं लगभग 50 के बराबर कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ रोज़। तो कभी कभी मुझे रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, मैं बिज़ी हूँ काफ़ी, मेरी लाइफ बिज़ी है, और उसमें से टाइम निकाल के मैं सबके कमेंट को रिप्लाई करती हूँ। तो अगर आपके कमेंट को तुरंत रिप्लाई नहीं मिलता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखे। बाय द एंड ऑफ द डे मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आपके भी कमेंट को रिप्लाई करती ही हूँ। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि कभी कभी टाइम क्रंच होता है और मैं तुरंत उस कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आपके जो पेशेंस है वो मैं बहुत अप्रिसिएट करूँगी, कि अगर आप पेशेंस रखते हैं एंड आप मुझे बिल्कुल कमेंट किया करो, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मुझे नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए टॉपिक भी आपकी कमेंट की वजह से मिलते हैं। तो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, आज मैं बात करने वाली हूँ एक इंजेक्शन के बारे में, जिसका नाम है HMG-IU इंजेक्शन, HMG-IU-150। ये इंजेक्शन क्या है, किस लिए लिया जाता है, कब लिया जाता है, इसके कंटेंट क्या है, ये कैसे काम करता है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी HMG का फुल फॉर्म क्या है। HMG का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन। तो ये एक हार्मोन है। तो ये जो इंजेक्शन है ये कब यूज किया जाता है, फीमेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, मेल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, और साथ ही में रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के असिस्टेंस में भी यूज किया जाता है। तो ये जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन, जैसे इसके नाम में ही है ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन, तो ये वैसे ही उन विमेन्स की बॉडी से ऑब्टेन किया जाता है जिनका ऑलरेडी मेनोपॉज हो गया है। तो ऐसी विमेन की जो यूरिन होता है उसमें ये हार्मोन पाया जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या ये इंजेक्शन यूरिन से बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, ये हार्मोन यूरिन में होता है। तो ये हार्मोन यूरिन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, एंड उसके बाद उसका इंजेक्शन प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बिल्कुल सेफ होता है। और तो ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन में होता क्या है, ये जो हार्मोन का इंजेक्शन है इसमें दो हार्मोन्स होते हैं इक्वल अमाउंट में। एक होता है FSH जो कि है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH जो कि है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन इस इंजेक्शन में इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो जो विमन इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही है उनकी ट्रीटमेंट में, जैसे IUI के ट्रीटमेंट है, उसमें इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एग्स और स्टिम्युलेट करने के लिए एग्स को इसे यूज़ किया जाता है, साथ ही में ओव्यूलेशन में भी ये हेल्प करता है। तो गोनाडोट्रोपिन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। गोनाडोट्रोपिन जो है वो एक हार्मोन होता है जो अपनी बॉडी में होता है। तो गोनाडोट्रोपिन क्या करता है, हर महीने पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स को रिलीज करने में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसे गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। तो ये गोनाडोट्रोपिन हर महीने पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH, ये दोनों हार्मोन रिलीज करता है। ये दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग प्रोडक्शन में और एग स्टिम्युलेशन में, और जो रिजल्ट करता है ओव्यूलेशन में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में। तो कुछ महिलाओं में दोनों भी हार्मोन्स कम होते हैं और रिक्वायर्ड अमाउंट में होते नहीं है, जिसकी वजह से उनके एक प्रोडक्शन उनका अच्छे से होता नहीं है, एक साइज उनका अच्छा नहीं होता है, एक का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, वो ओविलेट नहीं हो पाते हर महीने। तो ऐसे सारे जो प्रॉब्लम्स है इनको ट्रीट करने के लिए ये इंजेक्शन जो है लिया जाता है। तो ये इंजेक्शन देते कब है डॉक्टर, ये इंजेक्शन नॉर्मली दिया जाता है साइकिल डे 5th से, और जितना आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उतना ये इंजेक्शन दिया जाता है।
फिफ्थ डे पे दिया जाता है, सेवेंथ डे पे दिया जाता है, या तो अल्टरनेट डेज पे दिया जाता है, जैसा आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वैसे। तो आप कहेंगे कि जो टैबलेट्स हम लेते हैं ओवुलेशन के टाइम पे स्टिमुलेट करने के लिए ओवुलेशन, तो वो टैबलेट में और इस इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है? वैसे तो टैबलेट और इंजेक्शन ये दोनों का फंक्शन सेम ही है, फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही काम करते हैं, एक का प्रोडक्शन करते हैं और ओवुलेशन करने का काम करते हैं। बट फर्क इतना है कि ये दोनों का जो प्रोसीजर है या काम करने का तरीका है वो अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने में, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आसानी से आपको समझा सकूँ। जब हम टैबलेट लेते हैं ओवुलेशन बूस्टिंग के लिए, तो वो टैबलेट्स क्या करती है, हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते ब्रेन जो होता है वो ज्यादा एस्ट्रोजन जो है सिक्रीट करने का इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ज्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है तो ज्यादा FSH हार्मोन बनता है और ज्यादा LH हार्मोन बनता है, जिसकी वजह से ज्यादा एग प्रोडक्शन होता है, मल्टीपल एग प्रोडक्शन होता है, मल्टीपल एग्स डेवलप होते हैं और मल्टीपल एग्स रप्चर भी हो जाते हैं, और जिससे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हो गया गोली का काम। जब इंजेक्शन आप लेते हैं तो आप इंजेक्शन में क्या होता है, FSH हार्मोन और LH हार्मोन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो आप इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली लेते हैं, आपको रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करना पड़ता है, आपके ब्रेन को कोई सिग्नल नहीं जाता है, आप डायरेक्टली वो दो हार्मोन का इंजेक्शन लेते हैं जो कि मल्टीपल एग्स का प्रोडक्शन करते हैं और ओविलेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाता है बस, जो कि गोली में एक स्टेप ज्यादा है, तो इंजेक्शन लेने से एक स्टेप कम हो जाता है और प्रोसेस जो है वो कम दिन की हो जाती है, कम टाइम लेने वाली हो जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों का जो रिजल्ट आना है वो सेम ही आता है, मल्टीपल एग प्रोडक्शन होता है और मल्टीपल एग रप्चर होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो बस इतना ही है इसका फंक्शन, और कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों भी फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में यूज होता है, गोलियां भी और इंजेक्शन भी, और दोनों के रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे ही आते हैं। तो बस इनका जो लेने का टाइम अलग है और इनके कंटेंट जो है वो अलग अलग है, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब ये तो जब हमें इंजेक्शन लेते हैं तो हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स जो है वो नजर आते हैं। साइड इफेक्ट्स कॉमन है, जैसे हमें टैबलेट लेने पे नजर आते हैं वैसे ही साइड इफेक्ट इसके भी नजर आते हैं। साइड इफेक्ट्स में है हेडेक है, नौशिया, वोमिटिंग है, स्वेलिंग है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, स्लीपलेसनेस है, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और साथ ही में रैपिड वेट गेन होता है, ब्लोटिंग होता है, लोअर एब्डोमिन में पेन हो सकता है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है जो कि कॉमन साइड इफेक्ट्स में आते हैं। तो कौन कौन से सिचुएशन में ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं, आपको डॉक्टर को बताना है, आपका ऑलरेडी अगर कोई बेबी है और आप फीड कर रहे हैं तो आप नहीं ले सकते इंजेक्शन। दूसरी चीज, अगर आपको गैनाडोट्रोपिन हार्मोन से एलर्जी है तो आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर आपको वेजिनल ब्लीडिंग हो रहा है तो आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर आप ओवेरियन सिस्ट से सफर कर रहे हैं, आपको ओवेरियन सिस्ट है तो आप ये इंजेक्शन नहीं ले सकते हैं, या फिर लेने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, डॉक्टर अगर उनको लगता है कि लेना चाहिए तो आपको देंगे, नहीं तो आपको नहीं देंगे। तो ये जो इंजेक्शन है वो मार्केट में अंडर अलग अलग ब्रांड नेम मिलता है, इसे साथ ही में मोनोट्रोपिन भी कहा जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है सिर्फ और सिर्फ इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में ही दिया जाता है, अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इंजेक्शन या ऐसी कोई भी जो टैबलेट है वो डॉक्टर से पूछे बगैर ना ले, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती है। तो डॉक्टर ने अगर आपको एडवाइस किया है, प्रिस्क्राइब किया है पूरा हिस्ट्री लेने के बाद तो ही ले। तो ये तो था HMG इंजेक्शन के बारे में, अगर आपको दिया है डॉक्टर ने HMG इंजेक्शन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कौन से साइड इफेक्ट्स उसके नजर आए हैं मुझे बिल्कुल बताइए, मुझे अच्छा लगेगा और साथ ही में बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी उससे। तो आप ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिए, मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।